महाराष्ट्र के अकोला जिले में गीता नगर, शिवसेना वसाहत, गंगानगर, न्यू किराना मार्केट जैसे बड़े इलाकों में नालों के पानी की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बता दें कि इसी समस्या को लेकर लगभग 3.5 घंटे चले रास्ता रोको आंदोलन के बाद आज भाजपा सांसद अनूप धोत्रे ने गंभीरता दिखाते हुए सभी परिसरों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल्द ही ठोस नतीजे पर पहुंचते हुए समस्या को हल करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी से बात करते हुए रोड की तकनीकी और खामियों को दूर करने की भी कोशिश करते हुए नागरिकों का समाधान करने की बात हमारे चैनल के संवाददाता शाहिद इकबाल से की। वहीं इस अवसर पर गंगानगर वासियों ने उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिया, जिस पर धोत्रे ने आश्वासन दिलाया कि वह इस बात को लेकर गंभीर है और जल्द इसका हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। 24 घंटे लगातार बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, 150 mm के लगभग कल बारिश हुई थी। इस कारण लोगों के घरों में लगभग 3 से 4 फुट तक पानी आया था। कल मैंने आयुक्त साहब से मीटिंग की है, साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारे जो अपने शहर में एक नाला जाता है उनसे भी मीटिंग की है। उन्होंने सबने सहकार्य का हमें बताया कि सहकार्य करेंगे। ये जो जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है इसमें अकोला शहर के सभी समाज हैं। आज सभी लोगों ने बोला है कि जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण है, जो पुराने नकाशे में नाले हो, कैनाल हो, वो अतिक्रमण निकाल के सबका सहकार्य लेके, क्योंकि ये इसमें लोगों का फाइनेंशियल भी नुकसान है और जीवहानी भी हो सकती है। तो सभी का ये एक निवेदन था कल। इसके लिए जो हमारा ओल्ड हाईवे था, जो स्टेट हाईवे है, उस पर लोगों ने रास्ता रोको भी किया था। उन लोगों से भी मैं मिला है, उनसे भी मैंने विनती की कि आप इससे पीछे लीजिए। आयुक्त साहब ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसको निकालने वाले हैं। अभी ये पुराने जो नाले के नक्शे हैं, ये नक्शे लोगों के पास ही है। ये नक्शों को सर्टिफाई करके कलेक्टर साहब को, ये लोग भी जो हमारे सब नगर सेवक हैं, सभी पार्टी के नगर सेवक हैं, ये खुद जाके उनसे एक निवेदन देने वाले हैं कि ये जो पुराने नाले थे ये सारे नाले क्लियर किए जाए। साथ ही साथ जो अतिक्रमण है इसमें, वो अतिक्रमण क्लियर किए जाए। जिन लोगों के अतिक्रमण है उनका भी कहना है कि हम भी लोगों के हित में हमारे अतिक्रमण तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये समस्या दूर होगी। मैं लोगों से भी ये आह्वान करूंगा कि अभी पानी आया, 4 दिन आवाज़ किया और फिर भूल गए, ऐसा लोगों ने भी, ये एरिया के लोगों ने ये विचार नहीं रखना चाहिए। उन्होंने भी जो फॉलोअप कहते, पाठपुरोटा हम मराठी में कहते, फॉलोअप उन्होंने हमारे साथ आके करना चाहिए। अगर सरकारी लेवल पे ये सॉल्व नहीं होता है तो इसमें कोर्ट में जाने का भी एक ऑप्शन रहता है।